बड़ी खबर कानपुर से आ रही है, जहां कानपुर में डीएवी कॉलेज के बाहर प्रिंसिपल का विरोध कर रहे छात्रों की पुलिस के साथ हुई झड़प। झड़प के दौरान धक्का मुक्की होने से सड़क पर गिरे एसीपी कोतवाली। क्या है पूरा मामला, आइए बताते हैं आपको। दरअसल उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर में डीएवी कॉलेज के छात्र हुंकार रैली के दौरान छात्रों ने एसीपी कोतवाली रंजीत कुमार को धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया। इसका वीडियो वायरल हो गया। कॉलेज प्रिंसिपल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों की भीड़ बदसलूकी करने लगी तो पुलिस वालों ने भी डंडे उठा लिए और छात्रों को खदेड़ा। एबीवीपी और डीएवी कॉलेज के छात्रों ने हुंकार रैली निकाली। छात्रों ने डीएवी कॉलेज के सामने कॉलेज प्रिंसिपल और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्र भड़क गए और प्रदर्शन उग्र होता देख पुलिस बल ने मोर्चा संभाला। वीडियो में दिख रहा है कि छात्रों को संभालते हुए एसीपी को छात्रों ने धक्का मारा, जिससे वो सड़क पर गिर गए। इसके बाद वो तुरंत उठ खड़े हुए और बेहद गुस्से में दिखे। वहीं इस घटना पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देखो, भाजपा की युवा इकाई एबीवीपी का बवाल, सत्ता के दम में एसीपी तक का नहीं करते लिहाज। डीवी कॉलेज के में छात्रों द्वारा किए गए प्रदर्शन को काबू करने के दौरान एसीपी कोतवाली के जमीन पर गिर जाने के संबंध में पूरे प्रकरण की जांच एडीसीपी पूर्व श्री लखन सिंह को सौंपने के संबंध में संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था महोदय द्वारा दी गई। देखिए, हमने यहाँ पे हमारे मीडिया कर्मियों के द्वारा लिए गए तमाम वीडियो फुटेजेज हैं, वीडियो फीड हैं, जिसको एक एक करके हमने देखा है, लार्ज स्क्रीन पे करके देखा है, स्लो मोशन में देखा है। जो गिरने की बात है अधिकारी के, वो डेफिनेटली वो गिरे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो भीड़ जो है वो लोग पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं उल्टा, और उल्टा पीछे की तरफ बढ़ने से किसी व्यक्ति ने ये नहीं देखा कि उसके पीछे भी कोई व्यक्ति है, और वहाँ पे वह स्वतः, चूँकि ये जो सरफेस है वो भी इवन ऑड है, पैर वहाँ पे ऊपर नीचे होता है और वो गिर पड़ते हैं। यहाँ पे किसी का इंटेंशनल कोई भी ऐसा सिम्टम कि किसी ने धक्का दिया हो, किसी ने हाथ लगाया हो या कोई ऐसी चीज़ हो, वो प्रथम दृष्टया लार्ज स्क्रीन पर अलग अलग सभी मीडिया कर्मियों के द्वारा लिए गए फीड को देखने से नहीं पाया जाता है। फिर भी हमारे एडिशनल डीसीपी लखन सिंह यादव हैं, इनको हम लोग पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार इस पूरे प्रकरण को एग्जामिन करने के लिए दे रहे हैं, जिससे कि अगर ऐसा कोई भी सिम्टम है जो कि अनलॉफुल है तो वो डिस्क्लोज हो और उस पर आवश्यक कार्यवाही भविष्य में हो। यहाँ पे जो विषय था उस विषय का परीक्षण किया जा रहा है। स्टूडेंट अनरेस्ट जो है, जो इशूज हैं, संगठन के लोग जो आए थे वो क्यों आए थे, उनके क्या इशूज हैं, प्रथम दृष्टया इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी, जो पार्किंग प्लेस है उसकी साफ़ सफाई, बिजली का होना, टॉयलेट का होना और डिफरेंट डिफरेंट इशूज को लेके आए। साथ ही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसके पीछे और भी डिफरेंट कॉजेज हैं जिन कॉजेज को हमें देखना चाहिए, तो वी आर लुकिंग इट होलिस्टिकली एंड वॉट एवर इज द जेन्युइन एंड जो भी सही है उसके हिसाब से हम कार्यवाही करेंगे और हम ये इंश्योर करेंगे कि भविष्य में कोई अनरेस्ट भी ना हो, प्रबंधन को कोई दिक्कत ना हो, छात्रों के हित में सारी चीज़ें सही रहें।